पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिस टेस्टिंग से डिफरेंट कैसे होता है देखिए प्रैक्टिस जो होता है वो हर वीकेंड का स्पेसिफिक होता है जिसके अंदर हम जनरली दो से तीन प्रैक्टिस सेशन देखते हैं एक वीकेंड के ऊपर वो प्रैक्टिस सेशन उस वीकेंड पे डेडिकेटेड होता है और उस वीकेंड पे उस वीकेंड के रेस ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है पूरे गाड़ी का डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन बट अब जहाँ टेस्टिंग की बात आती है प्री सीजन टेस्टिंग वो समय होता है जब गाड़ियाँ विंटर डेवलपमेंट के टाइम से आती हैं कोई मेजर इश्यू ना आ जाए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए खाली तीन दिन का समय होता है इन गाड़ियों को एप्सल्यू टंच करने के लिए टीमों के पास जनरली साढ़े आठ घंटे पर डे हैंस 25 घंटे तीन दिनों के अंदर होते हैं ताकि वह अपने दोनों ड्राइवर्स को गाड़ियों के अंदर टेस्ट कर लें और कोई भी टीदिंग प्रॉब्लम ना हो उसका ख्याल रखें एज अ स्पेक्टेटर हमें ये कभी नहीं बता पाएंगे कि टीमें सैंड बैगिंग कर रही हैं या एक्चुअल परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ही नहीं उनकी जिम्मेदारी टीमों की ज़िम्मेदारी ये है कि उन्होंने जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स किए हैं क्या वो सही तौर पर चल रहे हैं या नहीं जनल ड्यूरिंग डेवलपमेंट टीमों के पास खाली दो मैचर होते हैं जिनसे वो अपने डेवलपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं एक तो सी एफ डी कंप्यूटेशन फ्लूड डायनामिक्स जो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसके ऊपर उन्होंने पास्ट डेटा फीड कर रखा होता है और जो नए कार्य के डेवलपमेंट है उनको टेस्ट करते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन से और दूसरा इस एरोडाइनेमिक विंड टनल विन टनल के अंदर टेस्टिंग जो होती है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट कुछ नहीं होती है जो एक्चुअल रेस ट्रैक पे डेवलपमेंट होता है उससे हैंस उन्होंने अभी तक जितना भी डेटा कलेक्ट कर रखा होता है जो भी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी लगाई होती है ये मौका है साढ़े पच्चीस घंटे के अंदर जब वो सब कुछ टेस्ट कर सकें ऑब्वियसली सारी टीमें अपनी अपनी थ्योरी लगाती हैं और इस साढ़े पच्चीस घंटे के अंदर अपनी अपनी गाड़ियों को समझते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हुआ वो कोई भी एरोडानेमिक सेटअप कर सकते हैं वो कोई भी इंजन रेस कर सकते हैं वो कितना भी फ्यूल लोड रख सकते हैं वो कोई भी एज के टायर रख सकते हैं सस्पेंशन uh, का स्टिफनेस कुछ भी हो सकता है उसके अलावा फ्रंट विंग का सेटअप कुछ भी हो सकता है रेयर विंग का सेटअप कुछ भी हो सकता है कोई भी फ्लोर लगा सकते हैं सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट इन द एंटायर सीजन दो हर प्री सीजन टेस्टिंग के बाद एक लीडर बोर्ड जरूर आता है हमारे पास ये दिखाता है कि भाई कि किस बंदे ने कितने तेज चलाई गाड़ी या फिर सबसे मिनिमम टाइम लैप किसका था बट उस वो कोई इंडिकेटरी होता नहीं है हर टीमें जनरली ग्लोरी रन जो होती है वो एंड ऑफ द सेशन रखती है एंड ऑफ द डे इनफैक्ट लास्ट डे के एंड एक आर के अंदर जनरली लोग क्वालिफाइंग या फिर रेस सिमुलेशन चलाते हैं? आइए थोड़ी बहुत टीमों के बारे में कर लेते हैं और अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं हर टीम से इस प्री सीजन टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले विलियम्स की बात करते हैं विलियम्स के पास एक नया टीम प्रिंसिपल है और एक नया ड्राइवर भी है अब देखिए मुझे लगता है डोल्टन कैपिटल अपना आखिरी पन्ना खेल रहा है अपने आखिरी चैप्टर लगा रहा है फार्मूला वन के वैसे बहुत नया है फार्मूला वन के अंदर बट आई थिंक जो उन्होंने अपने पुराने टीम प्रिंसिपल को हटाया और द बेस्ट अवेलेबल टीम प्रिंसिपल लेके आए द बेस्ट अवेलेबल इंजीनियर लेके आए इन जेम्स वॉबुल्स मुझे लगता है कि जेम्स वॉबल्स इज अ वेरी रिस्पेक्टेड गाय इज अ वेरी एक्सपीरियंस गाय हिज नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस टिल नाउ बट आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम प्लस मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लतीफ़ी को हटाना ज़रूरी क्यों था विलियम्स के लिए जब हम ने देखा कि किन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल ने बोला था कि भाई हम पेड ड्राइवर्स जो हैं वो रिक्रूट नहीं करेंगे हमको पैसों की जरूरत नहीं है हम पंप इन कर रहे हैं बट लोगन सार्जन को बुलाना का क्या मतलब हुआ बट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट देर सो मेनी एक्सपीरियंस ड्राइवर्स दि ग्रेट वाई चूज अट uh, and that too he was P4 in uh, F2 uh, in, in Formula 2 why not opt for a Felipe Drogovic or Alex Pulau or uh, uh, sare, uh, Colton Herrera Daniel Ricardo hi nahi aage? let's see how the team evolves a very drastic turn nahi aane wala puri team ke andar, but uh, I can still expect them to be at the back end of the grid itself Next अपन बात करते हैं अल्फा टावरी की वो एक फैंटास्टिक मूव के साथ उन्होंने निक डिवरीज को सिक्योर कर लिया एज देयर ओन ड्राइवर आई थिंक इट्स अ बेस्ट मूव द बेस्ट ड्राइवर टू हैव राइट now ऑन द ग्रेड विद आई थिंक द लोएस्ट सैलरी इट्स नॉट वेरी अपसर्ड टू हैव अ फैशन कंपनी अ फैशन ब्रांड टू हैव अ Formula वन टीम हमने देखा था नाइनटीन नाइनटी फोर एंड नाइन्टी फाइव के अंदर ने जैसे फमला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप दी थी माइकल शुमाकर के साथ आई होप अल्फा टावरी कुछ ऐसा कर पाए बट ऑन द कॉन्ट्री जब हमने देखा कि रेडबुल जो उनके पेरेंट टीम है 2022 के अंदर शानदार हिस्टोरिकल सक्सेस मैक्स वस्टापन का सबसे बड़ा नंबर ऑफ पॉइंट्स कमाना फॉर्मुला uh, वन की हिस्ट्री के अंदर आज तक एंड उनकी जो दूसरी टीम है बी टीम अल्फा टॉरी वो सेकंड लास्ट खत्म करते हैं व्हाट डज दिस से अबाउट द होल टीम व्हाट व्हाट डज दिस से अबाउट रेड रेडबुल्स इन्वेस्टमेंट इन द टीम व्हाट इज व्हाट डज इट से अबाउट रेड रेडबुल्स इंटरेस्ट इन द टीम बट इस टेस्टिंग के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि निक डिवरीज कैसा परफॉर्म करते हैं इसको देखने के लिए आई थिंक बहुत सारे कप्स के बाद अब हास के पास एक अच्छा खासा लाइनअप है आ, निको हल्कनबर्ग एंड केविन मैग्नेशन बहुत ही अच्छे पॉइंट स्कोरर्स हैं एंड एक आध पोडियम्स भी कमाए हैं उन दोनों ने उसके अलावा निको हल्कनबर्ग इज गोना बी आई थिंक गोना बी प्रूविंग हिमसेल्फ अगेन इन फार्मूला वन वो फार्मूला वन के अंदर जब भी आते हैं तो एक बैग भर के पॉइंट्स लेके आते हैं अपनी टीम के लिए आई थिंक वो इस साल भी वैसे ही करने वाले हैं टेस्टिंग के अंदर हास को देखना काफी मजा आएगा बिकॉज निको हल्कनबर्ग हमको एक फ्रेश मिलेगा कि भाई कभी निकिता मैजपिन स्पिन कर रहे थे या कभी मेक uh, स्पिन कर रहे थे ये दोनों ड्राइवर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस इनसे ऐसी गलती होने वाली है बट लेट सी वट द बिगेस्ट मूवर इन द ग्रेट मेरे हिसाब से तो शायद वो सिक्स पोजिशन को कौन कर करेंगे इस साल इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग टीम स्पेशली फर्नांडो लॉन्जो के साथ फर्नैंडो ओलों इज अ रॉकेट इन एम वो खुद ही का एग्रेशन ले आते हैं और गाड़ी के पीछे लगा देते हैं आग एस्टिन मार्टिन ने बहुत अच्छे रिक्रूट किए हैं फ्रॉम मसरीज फ्रॉम फ्राम रेडबुल्स स्पेशली डैन फेलोज डैन फेलोज इज़ वॉज द चीफ एरो डाइनामिस्ट इन एंड रेड बुल एंड नाउ ही इज द टेक्निकल डायरेक्टर एट एस्टन मार्टिन इट ब्रिंग्स एन यूज एक्सपीरियंस एंड एड्री न्यू के साथ उनका भयंकर एक्सपीरियंस है आई थिंक एस्टिन मार्टिन मेक मेनी मूव्स उनकी नई फैक्ट्री बन रही है नया डेवलपमेंट हो रहा है uh, बड़े सारे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं तो so,

मिल गया है बट एंड ऑफ द सीजन आते आते मर्सिडीज़ ने अपने पंख खोल दिए वो कहीं और ही निकल गई आ, बट अल्फा रोमियो का ये जो साल है वो आखिरी है फमला वन के अंदर उसके बाद अगले दो साल के लिए वो सोबर रहेंगे उसके बाद तो ऑडी आने वाला है ऑडी आने के पहले ना आपको लगता है ना जब बिग डैडी अपने पैसे बैग भर के लेके आता है तो आपको लगता है कि यार जब हाथी चलते हैं तब जमीन हिलती है तो वो होने लग गया है ऑडी आने वाला है और उसकी गूंज अभी तक अभी से चालू हो चुकी है बट अगर अपन देखें कि साइडल के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रेजेंस प्रूव करें रोमियो के अंदर या मैं बोलूँ सौ वर के अंदर वाल्ट्री बोटाज एंड जोकानियो को भी प्रूव करना पड़ेगा अपने को अपनी खुद की प्रेजेंस प्रूव करनी पड़ेगी देखो वाल्ट्री बोटाज को ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं वो टेन टाइम रेस विनर्स है बट आएम श्योर उनके अंदर एक एग्रेशन होगा एक रेडेमशन का पॉइंट होगा जिसके कारण वो फॉर्मुला वन में रहना चाहते हैं बट वेन ऑडी कम्स आई थिंक ऑडी विल वॉन्ट टू साइन अ स्टार ड्राइवर अल्फारोमियों का जाता जाता साल्फारोमियो अच्छा बिताना चाहेगा एटलीस्ट सिक्स पोजिशन पर तो खत्म करना चाहेगा ही चाहेगा बट लेट्स ही सीजन टेस्टिंग के अंदर हमको पता

एक इंजीनियर की हैसियत से टीम प्रिंसिपल बनता है तो वो कितना इंप्रूव कर पाता है स्पोर्ट को कितना इंप्रूव पर कर पाता है टीम को आ, वैसे तो आई थिंक इस साल टीम एंड्रिया साइडल के ही लक्ष्य कदम, कदम पर चलेगी क्योंकि वो टीम को जैसे छोड़ के गए थे आई थिंक दिस ईयर डेवलपमेंट बहुत पहले चालू हो जाता है आई थिंक सेप्टेम्बर अक्टूबर में चालू हो जाता है नए नए सीजन का डैनल रिकार्डो के पास एक ऑलरेडी डाउनलोडेड सेटअप था उनके दिमाग के अंदर एक डाउनलोडेड रेसिंग लाइन थी एक डाउनलोडेड परफॉर्मेंस वेरियंट था कि वो कैसे गाड़ी को चलाना चाहते हैं

टेस्टिंग के अंदर हमको ये पता लगेगा कि अभी मैकलेरिन ने क्या नया डेवलपमेंट किया वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव ड्राइवर लाइनअप इज विद एलपीन देखो एल्पीन के पास पहले हॉट हेडेड फर्नांडो अलोंसो थे अब मुझे लगता है ड्राइवर पेरिंग बहुत हॉट हेडेड है और स्टीवन ओकॉन एंड पियर गैसली देखो वैसे तो मुझे लगता है दोनों एक हाउ डू से नॉट स्ट्रगलिंग बट नॉट स्टैब्लिश्ड enough ड्राइवर्स हैं फॉर्मला वन के अंदर तो है ना वो काफ़ी प्रोफेशनल रहेंगे मुझे लगता नहीं कि एक आध दो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डैनल रिकार्डो और मैक्स स्टैपन की लड़ाई देखी थी ऐसा कुछ होने वाला है या फैशाल अकलैकन सुभाषण मेटल की देखी थी वैसा भी कुछ होने वाला है तो ऐसा नहीं होने वाला है आई थिंक दिल बी क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द होल सिचुएशन ये सही है कि एल पी ने अपने गोल्स काफ़ी सेट नीचे सेट कर रखे हैं एल पी ने uh, वो एग्रेशन नहीं दिखा रहा है दे आर हैप्पी विथ थर्ड एंड दे आर हैप्पी विथ फोर्थ एंड um, I think that's that's where they want to be probably. Uh, they want they don't don't want to fight for world championships. Uh, they have made their own content. उन्होंने content कर लिया कि बस इतना ही कर सकते हैं इतना ही कर रहे हैं. That's enough. But I'm sure uh, testing period के अंदर उनको पता लगेगा कि वो actually कहाँ stand करती है. मसरीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स राइट नाउ इन द इंटायर वर्ल्ड ऑफ फमला वन या फमला वन से जुड़े हुए जितनी भी दुनिया भर के लोग हैं सब मसरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सब लोग ये देखना चाहते हैं कि मशरीज का एक्चुअली में पर्पोसिंग करती है या नहीं जो फ्लोर हाइट इंक्रीज़ हुई है फिफ्टीन एम mm की क्या वो मसरीज़ को हेल्प करती है या उसको और बैक पहुँचा देती है क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो काफ़ी लेट हुआ था एम श्योर मसरीज़ का डेवलपमेंट सेप्टेम्बर अगेन चालू हो गया था उन्होंने लो फ्लोर हाइट के हिसाब से अपनी टीम या फिर नया गाड़ी का डेवलपमेंट चालू कर दिया होगा बट ये नया रूल जो आया फिफ्टीन एम एम राइज़ हाइट के, के फ्लोर हाइट बढ़ाने का उससे मजरीज को कितना फर्क पड़ा होगा वी डोंट नो येट हेंस हम खाली रेंडर्स पिक्चर्स देख सकते हैं हमने जो उनका शेक डाउन हुआ था सिल्वर स्टोन के अंदर खाली वो देख सकते हैं साइड पॉड लेस वाली जो डिजाइन है उसको हटके उससे हटके अगर मजरीज़ वापस उस स्ट्रैटेजी पर जाती है जिस स्ट्रैटेजी के अंदर रेड बुल एंड फरारी है तो कोई बहुत सरप्राइज की बात नहीं होगी आई थिंक बट द प्रॉब्लम इज़ बहुत लेट ना हो जाए मसीरीज़ के लिए ये टेस्ट करने के लिए कि यार पहली दो चार रेसेस मान उन्होंने लगा दिया उसके बाद अपना एरो पैकेज चेंज कर दिया साइड पॉट्स लेके आ, ले आ गए पहले साइड पॉट लेस से अब साइड पॉट्स लेके आ गए तो आई नोट नो वट विल हैपन बट येस लॉट ऑफ टाइम मसरीज सरप्राइजेस स्पेशली लास्ट ईयर ऑल्सो पहले डे ऑफ टेस्टिंग के अंदर प्री सीजन टेस्टिंग के अंदर उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं था नॉर्मल साइड पॉट से रेड बोल फरारी जैसे फिर उसके दूसरे दिन के अंदर हमको पॉटलेस डिज़ाइंस ले आए थे बट उसके पहले भी दो हज़ार बीस के अंदर हमको लेके आए थे जब टेस्टिंग के अंदर इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग so, uh, 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 really के टीम प्रिंसिपल होने के बाद uh, फरारी का टीम प्रिंसिपल होना का बिल्कुल भी आसान बात नहीं है पूरी पूरी दुनिया की नजरें फरारी के टीम प्रिंसिपल पर रहती हैं और वो क्या करने वाले स्पेशली आफ्टर कपल ऑफ स्टिट जब लास्ट टाइम ने केमिन दो हजार सात के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा था तब आई थिंक स्टफे थे उसके बाद तीन टीम प्रिंसिपल आके जा चुके हैं और ये चौथा टीम प्रिंसिपल है के साथ अगर अपन हिस्टोरिकली बात करें तो ऐसा हुआ था, था।, बार बार था। माइकल शुमाकर को फर्नांडो लॉन्जो ने हराया था चैंपियनशिप के लिए का ड्राइवर जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप सेम चीज हुई है लुइस हैमिल्टन 2020 तक लुइस हैमिल्टन ने वर्ल्ड

के कारण उन्होंने स्पेशली जब बाकू के अंदर डबल डीएनएफ हुआ था फरारी का आ, उसके बाद ना उन्होंने अपने पूरे इंजन को आ, ट्यून डाइन डाउन कर दिया था स्पेशली हमने इसको ट्यून डाउन को देखा था मेक्सिकन ग्राउंड पी के अंदर क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर चलता था क्योंकि वहां पर एयर कम होती थी इसलिए उन्होंने अपने इंजन को और ट्यून डाउन कर दिया था हेन्स द रिजल्ट इंजन फ्रीज है डेवलपमेंट पर काम नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के लिए बट रिलायबिलिटी के लिए जरूर कर सकते थे हैंज जिसका फायदा फरारी ने एलपी ने भी उठाया बट फरारी ने तो उठाया उठाया जिसके कारण हमको समझ में आया कि भाई फरारी ने अपना आ, अब रिलायबिलिटी भी क्योंकि काम क्यों क्यों कर लिया है तो अब फरारी के पास 20 टू तो 30 हॉर्स पावर ज़्यादा होगा क्योंकि वो अपना इंजन ट्यून अप वर्जन पर चला सकते हैं उसको उस मैक्सिमम कैपेसिटी पर चला सकते हैं जो इंजन चला सकते हैं सो so, अभी वैसे अगर हमने लास्ट टाइम देखे तो शार्ल एक्लेन ने छः पावर यूनिट यूज़ करे थे और कार्लो साइंस ने पाँच पावर यूनिट यूज़ करे थे जब खाली तीन तीन यूज़ कर सकते थे आई uh, होप अब हमको ना प्री सीजन टेस्टिंग के अंदर ये समझ में आएगा कि भाई उनकी जो एक्चुअली uh, में इंजन ट्यून अप किया था वो एक्चुअली इंजन ट्यून अप है या नहीं है या रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करी थी वो रिलायबिलिटी एक्चुअली में इंप्रूव है और वो अपना इंजन वहाँ तक चला पा रहे हैं या नहीं बट येस फेडरिक बॉसर के बाद स्ट्रैटेजी तो श्योर I'm इंप्रूव sure, हो जाएगी क्योंकि इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेस मैन ही इज़ एन इक्वल इन कैपेसिटी टू जॉन डॉट जितना पैडक बात कर रहा है बिकॉज फेडरिक बॉसर के ने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी जब उनको पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि भाई आपका कोई फेवरेट ड्राइवर है टीम का कोई नंबर वन ड्राइवर है या नहीं तो उन्होंने तो बोला था वैसे तो नहीं है बट अगर जरूरत पड़ेगी और टीम की uh, टीम के डेवलपमेंट में ज़रूरत पड़ेगी या फिर चैंपियनशिप की पोजिशन में दिख रहा होगा कि हमको किसी ड्राइवर को फेवर करना चाहिए तो मैं नहीं कर रहा तो ये एक हैंड स्टेक इन दी हैंड वाला जो एटीट्यूड है फेडरिकॉसर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही अच्छा है जो मुझे लगता है कि टीम प्रिंसिपल का होना चाहिए एंड उनका है ये देख के खुशी है मुझे एक बिजनेस आउटसाइडर आया फरारी के अंदर सो आई थिंक ही कैन रेवल्यूशनराइज और ही कैन चेंज समथिंग और नॉट हेन्स टेस्टिंग को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा उनके एक्सप्रेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम टेस्टिंग के ना ज्यादा पता नहीं लगा पाते कि टीम ने, ने कैसा परफॉर्म किया क्योंकि नहीं क्योंकि वेरिएबल सर्कमटांसिस होते हैं जिसके अंदर गाड़ियाँ काम करती हैं बट हम लोगों के एक्सप्रेशन देख के तो पक्का बता सकते हैं कि टेस्टिंग ठीक चल रही है उनके मुताबिक चल रही है नहीं फरारी पर नजर डाल के रखेगा लॉन्च uh, really uh, के अंदर, uh, वैसा ना उड़ाएं अब खुद का टेस्टिंग के अंदर बिकॉज बुल ने अपनी कोई गाड़ी नहीं दिखाई पिछली गाड़ी के ऊपर नए स्टिकर लगा के हमको दिखा दिए थे बट ऑल ऑल रेड बुल के पास द मोस्ट इन्फॉर्म ड्राइवर है इन एंड मैक्स हैपन उनके पास वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं आई थिंक द मोस्ट इनफॉर्म एवर टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं एड्री न्यू एंड प्लस उनके पास बहुत ही बेहतरीन कार थी लास्ट uh, सीज़न गाड़ी पूरे ऑलराउंड ट्वेंटी टू रेसिस के अंदर ही बहुत स्ट्रॉग थी दैट मीन्स इट वॉज बैलेंस ऑन पावर सर्किट इट वॉज बैलेंस ऑन नॉन फोर सर्किट इट वॉज बैलेंस इन इन स्लो कॉर्नर्स मिड कॉर्नर्स मीडियम स्पीड कॉर्नर्स एंड एन फास्ट कॉर्नर्स इन जपान एज वेल वी कुछ सी जहाँ शाह लकलैक मैक्सवेस्टैम्पन से लड़ रहे थे पहले तीन रेसेस के अंदर जहाँ मैक्सवेस्टैम्पन का पहले uh, पहले तीन रेसेस के बाद आई थिंक दो डी एन एफ थे uh, वो सब चला गया वो सब वैनिश हो गया पता भी नहीं था कि लास्ट uh, सीजन के एंड में पता भी नहीं, नहीं पड़ा कि

वो समझ चुके हैं बारह है तेरह जितने भी साल हुए हैं स्टेको पेरेस के टी फॉमला वन स्पोर्ट के अंदर वो अच्छी तरह जानते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि फॉमला वन कैसे चलता है किसके पीछे रहना है किसको ज़्यादा बोलना है किसको कम बोलना है आई थिंक ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर एंड मैक्स वेस्ट भी आई एम श्योर दो से कितने इवॉल्व हो गए दो के अंदर हमने सब देखा है और दो के अंदर कितने इवॉल्व हो गए हम सब देख लेंगे बट यस इट वॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब हम रेडबुल uh, की गाड़ी देखेंगे फॉमला वन की ट्वेंटी सीजन की सबके टेक्निकल इनोवेशन सबकी सच्चाइयाँ सामने आने अभी तो सब लोगों ने अपने अपने शेक डाउन कर लिए कहीं कहीं किसी ने कहीं करा किसी ने कहीं करा बट अब सब लोग एक जगह आने वाले हैं साढ़े पच्चीस घंटे जो होने वाले हैं उसके अंदर हम सबको पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में वट एवर इज द टेस्टिंग अपडेट्स आई पुट अ रिव्यू ऑफ दैट एट द एंड ऑफ मे बी ऑन ट्वेंटी एनालाइजिंग एवरी थिंग कौन uh, किसने क्या डेवलपमेंट लेके आए एंड वट डज इट मीन एंड किसी ने सैंड बैकिंग करी या नहीं एनी वेज थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर थैंक यू सो मच एंड टेक केयर